स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल गोस्वामी टिप्स एंड ट्रिक पर। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास है TVS XL 100। तो आज इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मेरे पास आई है कहीं दूसरी जगह से, ये पहले भी सही हो चुकी लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इस पर हम रेस देते हैं, जैसे जैसे इस पर लोड पड़ेगा तो ये आवाज़ करती है कड़ कड़ की। तो कैसे ये आवाज़ सही होगी तो ये आपको बता रहा हूँ। वैसे ये दूसरे मैकेनिक के पास ही आई है मेरे पास, इसका हेड और सिलेंडर इसमें भी होके आया है। तो कस्टमर बोल रहे थे कि इसमें मैंने इस पर ये वैसे तो इंजन के लिए खुली थी कि मिस्त्री ने बताई थी इनको कि इसकी क्रैंक आवाज़ कर रही है, इसीलिए इसकी हेड सिलेंडर इसका खुला था। तो इस जैसे से हेड सिलेंडर खुला था तो इसकी क्रैंक देखी थी, क्रैंक इसकी बिल्कुल सही थी। तो मैकेनिक भाई ने कहा था कि इसमें हम पिस्टन डाल देते हैं और पिस्टन डाल करके इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन इसकी आवाज़ बंद नहीं हुई है। तो आज ये मेरे पास बाइक आई है तो इसमें जिसमें मैंने स्टार्ट करके देखी तो इसमें प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसकी क्लच में प्रॉब्लम थी। तो क्या क्लच में प्रॉब्लम थी तो मैं इस पर बताऊँगा आपको, और आपके पास अगर ऐसी कोई गाड़ी आती है तो कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी क्लच को हम खोल लेते हैं। तो क्लच खोलने के लिए पहले हमको इस पॉकेट जो लगा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले हम इस पॉकेट को हटा लेंगे और यहाँ जो पेच लगे हुए हैं तो इन पेचों को खोल लेते हैं इसमें और आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका इस पॉकेट हटा लिया है, देख रहे होंगे इस पॉकेट हमारे हाथ में लगा हुआ है। तो इस पॉकेट को हटा लेते हैं, इस पॉकेट हट चुका है देख रहे होंगे यहाँ, और यहाँ जो पेच लगे हुए हैं इनको भी ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इन पेचों को सारों को खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसके सारे हमने पेच वगैरह खोल लिए हैं और इसके सारे पेच खुल चुके हैं, देख रहे होंगे आप, ये हमारे हाथ में सारे पेचेस में 8 mm के बोल्ट होते हैं तो हमने सारे पेचेस में निकाल लिए बाहर। और ये पेच तो हम इस चैम्बर को भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी क्लच में। तो चैम्बर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमने इसकी सारे जो पेच वगैरह खुल करके चैम्बर बाहर निकाल लिया है, और जो इसमें जो कमी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, या क्या कमी है। तो देख रहे होंगे ये क्लच जो असेंबली इसकी होती है क्लच की, तो इसको हम निकालेंगे बाहर, पहले इसमें देख लेते हैं आखिर कमी क्या है, क्यों ये आवाज़ कर रही थी। इसके हेड सिलेंडर जो हुए हैं ऐसी ही कमी मेरे पास एक बार आई थी तीन साल पहले ऐसी एक बाइक आई थी मेरे पास XL 100। तो उसमें भी मैंने हेड सिलेंडर किया है, मुझको क्रैंक की आवाज़ लगी थी लेकिन क्रैंक सही निकली थी, मैं भी बहुत परेशान हो चुका था उस बाइक में। फिर मैंने इंजन के लिए बाइक खोली, जब जाके इसमें मुझे पता चला, जैसे मैं क्लच खोली कि इसका बोल्ट ढीला है, जब जाके मुझे पता चला कि इसमें ये इसकी प्रॉब्लम की वजह से ये कमी आती है इसकी। मैं देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप देख रहे होंगे ये इसका जो क्लच की जो असेंबली होती है और ये कटोरा जो होता है, देख रहे होंगे ये आगे पीछे हो रहा है, ध्यान से देख लो, ये देखो आगे पीछे होता है फिर। तो ऐसे क्यों हो रहा है ये इसको हम देखेंगे, इसको प्लेट को हटा करके देख रहे होंगे अभी, आगे पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए और ये आगे पीछे हो रहा है, ऐसे नहीं होता ये और ये हो रहा। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी जो पेच लगे हुए हैं 8 mm के, तो इन पेचों को हम खोलेंगे और इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसको क्लच खोल करके, उसकी गिरारी खोल करके ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पेच हैं, इसको खोल लेते हैं तीनों को। इस पेच खुल चुके हैं दिख रहे होंगे आप, इसको प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, प्लेट इसकी बाहर आ चुकी है दिख रहे होंगे आप, इस पेच को खोल लेते हैं। इसका शायद पेच ही लूज है दिख रहे होंगे आप, इसका जो नट है वो लूज हो चुका है, इस वजह से इसमें चाल है दिख रहे होंगे आप। तो इस नट को हम, इसमें उल्टी चूड़ी होती है तो इस नट को हम अलग ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। इस असेंबली को चेक कर लेते हैं, इसकी क्लच असेंबली जो होती है इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये तो सही दिख रही है हमने देखी है तो इसमें कोई कमी नहीं है। इस कटोरे को भी देख लेते हैं,
कोई कमी तो नहीं है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इस गिरारी को भी बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं भी देख लेता हूँ कोई दांता वगैरह इसका कोई ख़राब तो नहीं है। इसका दांता सारे सही हैं, देख रहे होंगे आप। इसकी क्रैंक में भी चाल नहीं है, देख रहे होंगे आप। क्रैंक की वायरिंग वायरिंग भी सही है इसकी, इसमें भी बिल्कुल चाल नहीं है। तो इसको हम लगा लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर देखते हैं इसमें आवाज़ होती है कि नहीं। इसमें कमी जो थी दोस्तों, इसका नट हमें जो होता है इसका असेंबली का, वो नट लूज था, वो या तो कसने पर किसी पे लूज रह गया था, या ये चलते चलते अपने आप लूज हो गया, यानी पहले से ही लूज होगा इसलिए ये और ढीला हो गया, इसी वजह से इसमें आवाज़ आई थी दोस्तों। तो इस सारी चीज़ों को हम फिट कर लेते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके कि इसमें आवाज़ है कि नहीं पहले जैसी। तो इस कटोरे को सारी चीज़ों को लगा लेते हैं इसमें, और तो सारी चीज़ें सही हैं। बाशर है, बाशर लगा लेंगे इसका। ये सही हो जानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि जिसमें जो अंदर जो कमी थी वो क्रैंक बताई थी, क्रैंक इसकी ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ कर रही है। तो इसको पेच को देख करके टाइट करके इसको और सारी चीज़ों को कस के फिर देखते हैं इसको स्टार्ट करके कि बाकी इसकी क्रैंक आवाज़ कर रही थी या इस पेच के लूज होने की वजह से ये आवाज़ आ रही थी इसमें। तो इस पेच को टाइट कर लेते हैं, तो पेच टाइट हो चुका है, देख रहे होंगे आप। अब इसमें चाल नहीं है बिल्कुल, देख रहे होंगे आप, आगे पीछे हम करके देख रहे हैं। तो इसमें आवाज़ जो जो प्ले थी पहले, अब इसमें प्ले नहीं है, देख रहे होंगे आप, अब नया कोई प्ले नहीं है इसमें। इस प्लेट को लगा लेते हैं, जैसे हमने खोली थी सारी चीज़ें ऐसी इसको कस देंगे। तीन पेच हैं इसमें, तीनों पेचों को कस लेंगे। जी आप देख रहे होंगे इसमें हमारे जो पेच थे, हमने सारे पेच इसमें लगा दिए हैं और पेच सारे टाइट भी कर दिए हैं हमने। सारे टेट जो हमारे जो पेच जो लूज थे इसमें हमने सारे टाइट कर दिए हैं, देख रहे होंगे आप। और इसमें देखो चाल नहीं है, पहले जो चाल थी अब नहीं है इसमें नेकू चाल। तो इसका चैम्बर हम फिट कर लेते हैं, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसको चैम्बर को लगा देते हैं और फिर देखते हैं इसमें स्टार्ट करके। तो चैम्बर फिट कर लेते हैं, चैम्बर फिट हो चुका है, देख रहे होंगे आप। इसके पेचे लगा लेते हैं, इसमें पेच जो होते हैं सारे पेच हैं इसमें कस लेते हैं, जैसे हमने खोले थे वैसे इनको सारे पेचों को लगा लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमें पेचों को कस देते हैं सारे हों। पेच सारे टाइट हो चुके हैं, जितने भी पेज थे हमने लगा दिए हैं इसमें। अब इसका स्पॉकेट लगा लेते हैं इसमें, स्पॉकेट हमने लगा दिया, देख रहे होंगे आप। इसके सारे पेज लगा दिए हैं और पूरा चैम्बर भी फिट कर दिया है, ऑयल वगैरह इसमें डाल दिया नया और सारी चीज़ें फिट कर दी है इसमें। अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें काम कैसा है इसका। देखो आप देख रहे होंगे ये स्टार्ट हो चुकी है, अब साउंड भी देख रहे होंगे कैसा साउंड है इसका। और इसमें हम पलंग और देख लेते हैं, उधर कोई साउंड तो देख लेते हैं, पलंग कोई आवाज़ तो नहीं है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें आवाज़ नहीं है, साउंड जो आवाज़ थी उसमें तेज लूज था, इस वजह से जैसे हम रेस देते थे इसमें आवाज़ आती कड़कड़ की, जैसे क्रैंक आवाज़ करती ऐसी इसमें आवाज़ आती थी। अब इसका साउंड देख रहे होंगे अच्छा है, पहले
बहुत आवाज़ आ रही थी इसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर कोई डाउट मन में रह गया तो कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।